हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में। दोस्तों, राजकोषीय नीति सामान्यतः दो फेज में चर्चा की जाती है। जब भी राजकोषीय नीति की विचारधारा आती है तो एक राजकोषीय नीति और साथ ही साथ मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा होती है, किंतु आज के हमारे लेक्चर का मुख्य विषय है राजकोषीय नीति। हम मौद्रिक नीति को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, राजकोषीय नीति दो शब्दों से बना है। राजकोषीय नीति किसी भी देश की सरकार के राज्य के आय का जो कोष है उसके क्या क्या मद होंगे और उसके लिए सरकार किस प्रकार से प्रबंधन करेगी, किस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन करेगी, इसी का अध्ययन राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने छात्रों चर्चा की है राजकोषीय नीति के बारे में और उनकी परिभाषाएं बहुत जटिल परिभाषाएं हैं। आज हम उस परिभाषा को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में आपके साथ स्पष्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक अर्थशास्त्री हैं कुलवर्स्टान, उन्होंने राजकोषीय नीति के बारे में कहा है कि राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कार्रवाई द्वारा उनकी प्राप्तियों और व्यय को प्रभावित करना है, जिसे आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। यह अधिशेष या बजट के घाटे के रूप में होता है, बजट के घाटे के रूप में होता है। सरकार जो अपना राजकोषीय नीति के लिए प्लान बनाती है, कुलवर्स्टान का मानना था कि सरकार जो भी अपने आय के लिए नीति बनाती है या सरकार अपने व्यय के लिए जो नीति बनाती है उसके ही पैरेलल सरकार अपने आय के स्रोत का भी निर्धारण करती है। अब सरकार अगर आय और व्यय दोनों ही बिंदुओं के लिए कोई नीति बनाएगी तो उस नीति को हम राजकोषीय नीति कहेंगे। छात्रों, इसी विचारधारा को प्रोफेसर आर्थर स्मिथ ने भी बताया है। उनका मानना था कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय और आगम के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार एवं वांछित प्रभाव डालने वाले समस्त नीतियां शामिल है। जो भी योजनाएं उसकी है, जो भी प्रभाव डालने वाली नीतियां हैं, समस्त नीतियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। राज्य सरकार के कोई भी प्रयास हो, राज्य सरकार की कोई भी नीतियां हो, उस समस्त नीतियों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार जो भी कार्यक्रम बनाती है उस कार्यक्रम को राजकोषीय नीति कहते हैं। एक और अर्थशास्त्री हैं छात्रों, प्रोफेसर हिक्स हैं, उन्होंने कहा था राजकोषीय नीति के बारे में, राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से है जिसमें लोक वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये प्रोफेसर स्मिथ जी का मानना था, प्रोफेसर श्रीमती स्मिथ का मानना था। उन्होंने भी राजकोषीय नीति में कमोबेश वही बातें की हैं जो इनके पहले अर्थशास्त्रियों ने कहा है। उनका साफ तौर पर यह भी मानना है कि लोक वित्त के लिए जो सरकार सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, इससे संदर्भित जो भी अध्ययन करती है, जो भी नीतियां बनाती है, एवं अगर सार्वजनिक व्यय अधिक हो गया और सार्वजनिक आय की प्राप्ति कम है तो उसके लिए जो सार्वजनिक ऋण लेती है, इन समस्त अध्ययन की पूरी रूपरेखा को हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम इस पूरी की पूरी नीति को राजकोषीय नीति के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। छात्रों, मैंने आपके सामने जिन तीनों परिभाषाओं का जिक्र किया उस तीनों परिभाषाओं को आपके लिए लिखने के उद्देश्य से और नोट करने के उद्देश्य से मैं आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैक्स कर रहा हूँ। छात्रों, पहली परिभाषा जो मैंने आपके साथ शेयर की प्रोफेसर कुलवर्स्टान की, आपके सामने दिख रही होगी, यह है राजकोषीय नीति का अर्थ सामाजिक कार्रवाई द्वारा इसकी प्राप्तियों और आय को प्राप्तियों और व्यय को प्रभावित करता है, जिसमें आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में पाया जाता है। यह अधिशेष या घाटे के रूप में होता है। ये पहली परिभाषा है प्रोफेसर कुलवर्स्टान की। और दूसरी परिभाषा आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, ये प्रोफेसर आर्थर स्मिथ की परिभाषा है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। इसके साथ ही छात्रों, मैं तीसरी परिभाषा जो मैंने प्रोफेसर हिक्स की बताई थी उसे मैं भी आपके सामने स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ। छात्रों, तीसरी परिभाषा जो प्रोफेसर श्रीमती हिक्स की है, राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से है जिसमें लोक वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से आर्थिक नीतियों के उद्देश्य को
आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये प्रोफेसर श्रीमती स्मिथ की परिभाषा है जो आपके स्क्रीन पर साथियों शो हो रहा है। छात्रों, परिभाषाओं को देखने के बाद अगर हम मूलतः ये चर्चा करें कि राजकोषीय नीति वास्तव में है क्या, तो बड़ी सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपने आय और व्यय के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उस नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि एक मौद्रिक नीति भी होती है, उसकी चर्चा अलग से किसी लेक्चर में करूंगा। यहाँ मैं दोनों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। छात्रों, किसी भी देश का आर्थिक विकास एक 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 नीड्स है, एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो इकाइयां हैं, एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरी हमारी वित्तीय संस्थाएं। जिस नीति का निर्धारण, नियमन और संचालन हमारी वित्तीय इकाई के द्वारा किया जाएगा उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, और जिस नीति का संचालन हमारी राज्य की इकाई के द्वारा या केंद्र की इकाई के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जाएगा उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। दोनों ही नीतियों का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब सरकार प्रशासनिक इकाई है, इस नाते इस नीति को का संचालन प्रशासनिक इकाई के नाते सरकार करती है। वित्तीय नीति का संचालन मौद्रिक इकाई आरबीआई हमारी है, इस नाते वह मौद्रिक नीति का संचालन करती है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मौद्रिक नीति के लिए किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं कर सकती हैं, किसी भी प्रकार का एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं। दोनों का उद्देश्य आर्थिक विकास है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। मूलतः मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा क्योंकि केंद्र सरकार संघीय संरचना में केंद्र सरकार ही राजकोषीय नीति के संचालन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। छात्रों, केंद्र सरकार मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है, किंतु हमारे संविधान में कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिस क्लॉज के तहत हमारी केंद्र सरकार आरबीआई को भी उस किसी कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है या निर्देशित कर सकती है कि आप इस कार्य को संचालित करिए। आपने देखा होगा, हम आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, अभी डिमोनेटाइजेशन के दौर में केंद्र सरकार ने डिमोनेटाइजेशन का एक निर्णय लिया और उस निर्णय को पूर्णतः संचालित करने का काम हमारी मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस ने किया। तो ऐसी नीतियां जो निर्देशन राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई को मानना पड़ता है, यह भी हमारे संविधान में इसका एक एक क्लॉज मेंशन है। हम उनकी बारे में चर्चा यहाँ, चूंकि वो वित्तीय इशू है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का इशू है, उसे कभी हम जब प्रशासनिक विधि में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे इस अध्ययन में जो मूल विषय अभी तक सम्मिलित है कि राजकोषीय नीति को सामान्य भाषा में समझा कैसे जाए। छात्रों, बड़ी ही सामान्य भाषा में राजकोषीय राज्य के द्वारा अपने देश के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संसाधनों के संवर्धन या किसी भी प्रकार की योजनाओं को जो लोक व्यय के लिए, जो लोक कल्याण के लिए किया जाता है, उस व्यय के लिए जिस भी योजना का, जिस भी नीति का राज्य सरकार के द्वारा संचालन किया जाएगा, जिस भी योजना, जिस भी नीति का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, उस पूरी नीति को हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत छात्र सम्मिलित करते हैं। ये राजकोषीय नीति का सामान्य सा परिचय आपके सामने है। छात्रों, अब एक चर्चा और होती है कि राज्य अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की उपयोगिता क्या है। तो छात्रों, इसके बारे में अगर हम चर्चा आपसे करें तो अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च राज्य के सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति, जिसमें व्यय, ऋण, कर, आय, हिनाश प्रबंधन इत्यादि चीजों को सम्मिलित किया जाता है, इन सारी चीजों की व्यवस्था इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि जैसे जैसे सरकार आर्थिक विकास की बात करती है उसे कीमत की स्थिरता, रोजगार, करारोपण, सार्वजनिक आय व्यय इत्यादि चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, एक अच्छे खासे वित्त की आवश्यकता होती है, और उस वित्त को प्राप्त करने के लिए सरकार को नीतियां बनानी पड़ती हैं, और वह नीतियां करारोपण से संबंधित हैं। अगर सरकार कोई भी व्यय करेगी तो उस व्यय को करने के लिए सरकारों को आय चाहिए, और आय की प्राप्ति का सरकार के पास प्रथम साधन कर है, तो उस करारोपण की नीति इसलिए सरकार बनाती है। अब सरकार देखती है कि उस देश में, जैसे विकासशील देश की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार देखती है कि उस देश में लोगों की कर क्षमता कितनी है। अगर लोगों की कर क्षमता बहुत अधिक नहीं है तो सरकार उनके लिए फिर कुछ ऐसी नीतियां बनाती है कि जैसे सरकार को उत्पादन क्षेत्रों के द्वारा रेवेन्यू की प्राप्ति हो। जैसे आपने सुना होगा, सरकार शुल्क लगाती है, सरकार दंड लगाती है,
सरकार इसके अलावा उत्पादन के कुछ कार्य भी करती है, सरकार कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती है, उनसे आय प्राप्त करती है। तो दो माध्यम हो गए, ये आय के माध्यम हुए सरकार के। सरकार अगर व्यय कर रही है तो उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार कुछ आय का प्रबंधन करेगी। आय के प्रबंधन से संदर्भित जो नीतियां हैं वह भी हमारे इसी नीति के अंतर्गत, जिसे हम कह रहे हैं राजकोषीय नीति, इसके अंतर्गत आती है। अब कई बार होता है विकासशील देश में, विकासशील देश के पास हैंड्स कम होने के नाते, सरकार के पास अपॉर्चुनिटी या इकाइयां कम होने के नाते, सरकार जितना व्यय करती है उतना आय नहीं कर पाती है। तो उस अवस्था में सरकार करती क्या है, व्यय तो आवश्यक है, क्योंकि बिना व्यय किए सरकार अपने आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगी। और विकासशील देश में व्यय करना अति आवश्यक इस कारण भी हो जाता है छात्रों, क्योंकि अगर विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए सरकार पैसे व्यय नहीं करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था स्थिर या पिछड़ी अर्थव्यवस्था का स्वरूप निरंतर बना रहेगा। तो इस उद्देश्य के लिए सरकार समानता प्रयास क्या करती है कि सरकार आवश्यक व्ययों में बढ़ावा दे और धीरे धीरे जो पिछड़ी इकाइयां हैं उनको विकास करे। अब अगर सरकार को कर नीति के द्वारा इतने पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो जितना सरकार ने व्यय किया है, तो कर के द्वारा प्राप्त पैसे या सरकार के अन्य आय के स्रोतों के द्वारा जो सरकार को रिसीप्ट हुआ है और जो सरकार ने व्यय किया है, इन दोनों के व्ययों का अंतर निकालती है और उसके लिए सरकार ऋण की नीति बनाती है। अब आय, व्यय और ऋण, इन तीनों की नीतियों का सम्मिलित चर्चा सरकार के राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है। एक सरल भाषा में छात्रों, किसी भी देश की सरकार के राज्य के कर्तव्यों से जुड़ी हुई नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती हैं। बड़ी सामान्य सी विचारधारा में छात्रों, बड़े छोटे शब्दों में, अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर मैं आपके सामने अध्ययन करने की बातें करूं तो बात आती है कि राजकोषीय नीति में हम क्या क्या पढ़ें, व्हाट कंटेंट, व्हाट मैटर वी आर डिस्कस इन द पब्लिक, इन द फिजिकल पॉलिसी, इन द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। तो इसके लिए चार नीतियां हैं, सरकार के चार उद्देश्य हैं जो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। पहला है सरकार की करारोपण नीति, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है छात्रों, सरकार की व्यय नीति, सरकार द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरी है सरकार की ऋण नीति, द डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और चौथी है छात्रों, सरकार के बजट में, जिसे हम कहते हैं वेजिटेरियन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इन चारों का मैं नामकरण आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ। छात्रों, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है राजकोषीय नीति के में सम्मिलित होने वाले मुख्य विषय। पहला है सरकार की करारोपण नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। दूसरा है सरकार की व्यय नीति, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तीसरा है सरकार की ऋण नीति, पब्लिक डेट पॉलिसी। और चौथा है सरकार की बजट नीति, जिसको बजटेरियन पॉलिसी या बजट पॉलिसी भी कहा जाता है। छात्रों, इन चारों नीतियों के बारे में हम क्रमशः अलग अलग समझ सकते हैं। जो हमारी सरकार की पहली नीति है, जिसे हमने सरकार की करारोपण नीति कही थी, इसमें सरकार के कर लगाने की नीति के बारे में चर्चा की जाती है। राजकोषीय नीति के इस इकाई में सरकार प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार से लगाएगी, सरकार के कर की दर क्या होगी, सरकार किस इकाई पर कर का भार बढ़ाएगी, सरकार के कर का स्वरूप क्या होगा, इन समस्त प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है। व्यय नीति, सरकार अपने देश के किन किन क्षेत्रों पर क्या व्यय का प्रावधान करेगी, सरकार दिए गए वर्ष में किस व्यय को प्राथमिकता देगी, किस व्यय को सरकार प्रमुखता में शामिल करेगी, किस मद में कितना व्यय करना है, किस क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन सी मदों पर व्यय करना है, किस किस योजना का संचालन सरकार को करना है, जिसे सुना होगा आपने सुकन्या धन योजना, इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना, कई सारे सरकारों ने मनरेगा योजनाएं चलाई, उसके बाद उनकी जो प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के आधार पर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग योजनाओं का संचालन किया। तो जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो योजनाओं का संचालन करती है, उस योजनाओं के संचालन से जुड़ा हुआ जो व्यय है, इसका प्रोविजन, इसका निर्धारण सरकार के राजकोषीय नीति के, सरकार की व्यय नीति के अंतर्गत आता है। राजकोषीय नीति के सरकार की व्यय नीति की इकाई के अंतर्गत आता है। छात्रों, सरकार की तीसरी नीतियां मैंने अभी चर्चा आपके साथ की थी, सरकार की ऋण नीति। अब विकासशील देश के लिए जो ऋण नीति है, उस ऋण नीति का जो क्षेत्र है वह सरकार के आय और व्यय, करारोपण से सरकार को मिलने वाला आय, टैक्सेबल इनकम एंड नॉन टैक्सेबल इनकम, दोनों ही इनकम से सरकार की जो आय की समस्त प्राप्तियां हुई, उस प्राप्तियों को सरकार के व्यय की मदों में, व्यय करने के बाद, सरकार के व्यय के मदों में सम्मिलित करने के बाद कितना
अतिरिक्त व्यय हुआ है, वो जो अधिशेष व्यय बचा है, उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ऋण से संबंधित किस किस नीतियों का संचालन करती है। छात्रों, यह एक बृहद स्तर पर डिस्कशन का विषय है कि सरकार की एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है, व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट। डेप्ट की पॉलिसी सरकार सामान्यतः सबसे सरल सा विषय है कि सरकार ऋण ले ले, लेकिन ऋण लेना सरकार के लिए एक चुनौती का विषय है। सरकार ऋण के भी कई सारे मत हैं, सरकार स्वदेशी ऋण लेगी या विदेशी ऋण लेगी। अगर सरकार स्वदेशी इकाइयों से ऋण लेती है तो उसके प्रोविजंस क्या होंगे, क्योंकि ऋण लेने के बाद सरकार की उस समय के व्यय की आपूर्ति तो हो जाती है, किंतु दीर्घकाल में सरकार को उस ऋण पर ब्याज या अधिशेष जमा करना पड़ता है। समान सी भाषा में मैं आपको समझाऊं चाहता हूं, जैसे हमसे सरकार ऋण कैसे लेती है, हमसे सरकार कहती है कि अगर आपने इतने की एनएससी कराई तो आपको इतना इतने दिन बाद डबलिंग पैसे मिल जाएंगे। हमने एक एनएससी पत्र लिया या हमने एफडी किया या हमने राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ग्रामीण विकास पत्र, ऐसे तमाम बॉन्ड्स में हमने पैसे लगाए तो सरकार को उतने पैसे तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन जब उस पैसे की मेच्योरिटी का समय आता है तो सरकार को उतने पैसे व्यय के रूप में हमें तो देने पड़ते हैं। तो इस वर्ष तो सरकार के आय का स्रोत था जिसे सरकार ने ऋण के माध्यम से लिया, किंतु उस ऋण की वापसी भी सरकार को करनी पड़ेगी, तो उसका प्रोविजन सरकार कैसे करती है, इस इकाई के अंतर्गत छात्रों इसका अध्ययन किया जाता है। सरकार कुछ विदेशी ऋण भी लेती है, विदेशी ऋण में सरकार जैसे आईएमएफ से ऋण लेती है, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेती है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी एजेंसियां हैं, विदेशी एजेंसियां जिससे सरकार ऋण लेती है, जैसे आईएमएफ, आईएफसी है, मीगा है, ऐसे बहुत सारी इकाइयां हैं जिससे सरकार ऋण लेती है। तो उस ऋण का प्रोविजन क्या होगा, किस ऋण में सरकार को प्रेफरेंस मिल रहा है, किस ऋण से सरकार आसानी से उसकी वापसी कर पाएगी, इस समस्त बिंदुओं का अध्ययन छात्रों सरकार के ऋण पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। अब चौथा जो सबसे अहम बिंदु है वो सरकार की बजट नीति का है। बजट नीति राजकोषीय नीति का एक अहम, आप कह सकते हैं ऋण की हड्डी जैसी इकाई है, बैकबोन्स है। बजट नीति के अंतर्गत सरकार व्यय, आय, भविष्य के आय से संबंधित इनकम या के स्रोतों के बारे में चर्चाएं, छोटी बचतों, बचतों को बढ़ावा देना या सरकार को भविष्य में जो लक्षित आय है उस आय की प्राप्ति के लिए क्या क्या नीतियां बनाना है। कई बार होता है सरकार सब्सिडीज पर या रियायत दरों पर इस बजट में ऋण देना प्रोविजन करती है, तो उसका उद्देश्य सरकार का आपको सब्सिडाइज कीमतों पर ऋण देना इस नाते है क्योंकि सरकार ने अगले लंबे वर्षों में प्रोविजन किया है, उद्देश्य रखा है, लक्ष्य रखा है कि लंबे समय में जिस व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। तो ये बजट नीति जो है सरकार कि यह दिखती एक वर्षीय नीति है, एक साल के लिए बजट बनाए गए बजट से दिखती है, किंतु यह बजट नीति हमारे सरकार के पंचवर्षीय योजनाएं या लंबे समय की योजनाओं के लिए, मैक्रो प्लान्स के लिए भी एक हिस्सा बनती है। तो ये चारों अध्ययन, ये चारों विषयों के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में चर्चा की कि सरकार किस प्रकार से अपने व्ययों के लिए जो राजकोषीय नीति का प्रोविजन करती है उसके लिए सरकार किस प्रकार के मदों को समृद्ध करती है, ये इसका पूरा का पूरा एक छात्रों आपके सामने लेखा जोखा मैंने रखा। छात्रों, अब हम इस राजकोषीय नीति के कुल उद्देश्य की चर्चा करते हैं। सरकार इस राजकोषीय नीति को क्यों चलाती है, इसके पीछे सरकार के उद्देश्य क्या है, इनके बारे में अब हम आपके साथ चर्चा करते हैं। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली इस राजकोषीय नीति का छात्रों सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वह समानता हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई गई इस नीति का प्रमुख उद्देश्य संसाधन के सही उपयोग का विकास करना है। संसाधन के सही उपयोग का विकास अर्थात सरकार किस प्रकार से अपने आवश्यक मदों को, अपने आवश्यक व्ययों को जो कर रही है उसका सही तरीके से प्रयोग कैसे करेगी, इससे संदर्भित छात्रों यह अध्ययन या यह नीतियां या उद्देश्य बनाए जाते हैं। दूसरा है आय और धन के असमानताओं में कटौती। इसके अलावा तीसरा है मूल्य स्थिरता और मुद्रा स्फीति की नियंत्रण करना। अगला है छात्रों रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना। अगला है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, जो ग्रामीण क्षेत्रों की इकाइयां छूटी हुई हैं उनका विकास करना। अगला हम कह सकते हैं भुगतान संतुलन में जो घाटे आए हैं उनको कम करना, जो हम विदेशों से माल मंगाए हैं उस माल के आगम में जो हमने व्यय किए हैं और जो हमने विदेशों को माल बेच करके कमाए हैं उनके बीच के जो अंतर है उनको कम करना। अगला छात्र हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय के स्रोतों में बढ़ोतरी करना। मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि जो सरकार व्यय कर रही है उस व्यय का यद्यपि दिखने वाला स्वरूप बजटेरियन पॉलिसी में एक साल का है किंतु उसका व्यय लक्षित है लंबे समय के लिए है, तो यह भी सरकार
सरकार के राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। छात्रों, बुनियादी ढांचे का विकास करना, हर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार उस बुनियादी ढांचे का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए भी लक्ष्य रखती है, वह भी इस योजना के अंतर्गत, इस व्यय के अंतर्गत सम्मिलित है। और आप कह सकते हैं विदेशी मुद्रा के आय में के लिए प्रबंधन करना, जो विदेशी मुद्राएं हैं वो किस प्रकार से आएंगी, चूंकि ऋण लेना और विदेश से निवेश प्राप्त करना, ये दोनों ही योजनाएं राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। अगर सरकार ऋण लेती है तो सरकार को ब्याज देना पड़ेगा, और अगर सरकार ऋण के बजाय विदेशों से सहायता प्राप्त करती है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है, तो राजकोषीय नीति के ऊपर बर्डन कम होता है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब मैं इन समस्त उद्देश्यों को अलग अलग करके आपके साथ एक एक करके मैं चर्चा कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी करा रहा हूँ, ताकि आप उसको देख करके आसानी से समझते चलें कि हम किस योजना के बारे में एक एक करके आपसे अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आपके सम्मुख जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला मद है सरकार के संसाधनों के सही उपयोग का विकल्प का विकास करना। छात्रों, राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। आर्थिक वृद्धि के इस उद्देश्य को वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और भारत में केंद्र और राज्य सरकारें संसाधन जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का ही इस्तेमाल करती हैं, जिसके लिए सरकार कई सारे माध्यमों को अपनाती है, जैसे कराधान, मतलब प्रभावी राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रत्यक्ष करों के साथ साथ अप्रत्यक्ष करों द्वारा संसाधनों को जुटाना है। भारत में संसाधन जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत छात्रों यही है, प्रत्यक्ष कर लगा देना और अप्रत्यक्ष कर लगा देना भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोतों में यही सम्मिलित है। छात्रों, इसके अलावा सरकार जो संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए जो प्रोविजन करती है, आप कह सकते हैं बचतों को बढ़ावा देना, सरकार सरकारी व्ययों में कटौती करती है और उसे सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक उद्यमों में निवेश करती है, जिससे संसाधनों का उपयुक्त दोहन होता है, और जब संसाधनों का उपयुक्त दोहन होगा, सरकारी इकाइयां, सरकारी फर्में जब उत्पादन करेंगी तो उससे सरकार को लाभ प्राप्त होगा। यह भी सरकार के संसाधनों के सही उपयोग के लिए जो राजकोषीय नीति की प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा बनती है। निजी बचतों को बढ़ावा देना, सरकार निजी इकाइयों से कहती है कि आप बॉन्ड खरीदिए, जैसे सरकार हमसे कहती है 1 लाख से अधिक की संपत्ति, 2.5 लाख से अधिक की संपत्ति अगर आप है और 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट की राशि पर सरकार आपसे ब्याज नहीं लेती, आपसे टैक्स नहीं लेती है, तो वो टैक्स नहीं लेने का उद्देश्य क्या है, वो बचत को बढ़ावा देना चाहती है। तो यह भी सरकार के संसाधनों को इकट्ठा करने का मद है। इन तीन मदों से छात्रों सरकार संसाधनों के सही उपयोग के लिए बढ़ावा देती है, ये पहला मद में शामिल था। अगला मत छात्रों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आय और धन के असमान वितरण में कटौती करना। छात्रों, राजकोषीय नीति में मैंने कर प्रणाली के बारे में चर्चा आपके साथ किया था। कर प्रणाली की नीति के तहत अमीरों से कर लेना और गरीबों को कर को सब्सिडी के रूप में वापस करना, ये एक कर नीति का भी एक स्वरूप है, जिसमें अमीरों से आय लेना और गरीबों को देना, इसका मतलब देश में, राज्य में फैली हुई असमानता, धनगत असमानता, आयगत असमानता को दूर करना, इस असमानताओं में कमी धीरे धीरे लाना, यह भी सरकार के राजकोषीय नीति का छात्रों लक्ष्य होता है। छात्रों, आपकी स्क्रीन पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, मूल्य स्थिरता और मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करना। राजकोषीय नीति के अंतर्गत छात्रों जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार उन वस्तुओं की कीमतों को राशन हाउसेस पर कंट्रोल हाउसेस पर बढ़ी हुई कीमत वाले वस्तुओं को विक्रय स्वयं करने लगती है, तो अपने आप जब सरकार विक्रय के लिए आ जाएगी तो उस वस्तु का बाजार में कीमत नियंत्रण हो जाएगा, प्राइवेट इकाइयां महंगी कीमतों पर बेचने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उपभोक्ता सस्ती कीमतों पर सरकार हाउसेस से लेना शुरू कर देगा। इसके अलावा सरकार उन वस्तुओं के स्टॉक पर भी रोक लगा देती है, कुछ ऐसी राजकोषीय नीति अपनाती है, तो इससे वस्तुओं की कीमतों के बढ़ते और घटते स्वरूप पर मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवस्फीति के ऊपर स्थिरता ले आना। मुद्रा स्फीति के बारे में मैंने पहले आपसे थर्ड सेमेस्टर में चर्चा की थी। मुद्रा स्फीति का मतलब है कि जब कभी भी वस्तु महंगा हो जाए और मुद्रा सस्ती हो जाए, तो अगर वस्तु महंगा हो गया है और मुद्रा सस्ती हो रही है तो सरकार समानता करेगी क्या, आपको सब्सिडाइज कर देगी, और या मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण करने के लिए सरकार टैक्सेशन का सहारा लेगी, सरकार मार्केट की खुली नीतियों का सहारा लेगी। तो ये खुली नीतियाँ टैक्सेशन, ये दीज ऑल पॉलिसी आर द हैंड्स ऑफ दीज ऑल पॉलिसी आर द इक्विप्ड ऑफ टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। अगला है छात्रों, रोजगार सृजन में बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जानते हैं छात्रों रोजगार के अवसर कम होते हैं, या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें रोजगार आसानी से मिल जाता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं
कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास कुशलता का अभाव है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार निवेश योजनाएं चलाती है। आपने कौशल विकास योजना के बारे में सुना होगा। इसके अलावा सरकार ट्रेनिंग हाउसेस चलाती है, या सरकार शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देती है ताकि लोग शिक्षित हों और रोजगार इस क्षेत्र में स्वतः प्रवेश कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना भी सरकार के राजकोषीय नीति का अंश है। प्राथमिक शिक्षा को सरकार ने इसी नाते मुक्त किया है, क्योंकि अब हमारे लोग कुछ शिक्षित होंगे तो जो स्वरोजगार की भावनाओं को प्रेरित करेंगे। प्राथमिक शिक्षा, जूनियर शिक्षा के बारे में अवेयर होना, ये या निःशुल्क प्रदान करना, ये इसी नीति का अंश है छात्रों। इसके अलावा जो हमारी स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, अच्छे अच्छे पाठ्यक्रमों में सरकार हमें स्कॉलरशिप देती है, वो स्कॉलरशिप है एक्चुअली क्या? हमारे द्वारा पे की गई फीस जिसे सरकार रिम्बर्स कर देती है, सरकार हमें वापस कर देती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि लोग पढ़ लिख लें, लोग शिक्षित हों, लोग टेक्निकली ट्रेन हों, और जब लोग टेक्निकली ट्रेन होंगे तो ऑटोमेटिकली स्वरोजगार की भावना, रोजगार की भावनाओं का सृजन होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा निवेशकर्ताओं को भी बढ़ावा देना इसी नीति का हिस्सा है। अगली इकाई छात्रों है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। हमारे यहाँ छात्रों, हमारे या गरीब देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अमीर देश में लगभग अर्थव्यवस्थाएं संतुलन में रहती हैं, गरीब देशों में नगरीय क्षेत्रों का विकास तेजी से होता है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास धीरे धीरे गति से होता है। या हम ये कह लें कि जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं वो तेजी से अमीर हैं, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास नहीं है, वो आज भी गरीबी के चक्र में जकड़े पड़े हैं। तो इस अवस्था में सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा उन क्षेत्रों में व्यय का प्रोविजन बनाती है, और जो बहुत विकसित क्षेत्र हैं, जो बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर आय जाता है, उन पर कर नीति का प्रयोग करती है। ये भी राजकोषीय के नीति के अंश के अंतर्गत, हिस्से के अंतर्गत छात्रों आता है। अगला है भुगतान संतुलन के घाटे को कम करना। भुगतान संतुलन छात्रों, आय और व्यय का लेखा जोखा, जो सरकार ने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं अगर इससे जुड़ा अलग अध्ययन आपको अलग लेक्चर में उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ बड़ी छोटी सी भाषा में भुगतान संतुलन क्या है। जब हम किसी देश के साथ सामान मंगाते हैं तो उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, वह भुगतान हमारी मुद्रा में नहीं उसकी मुद्रा में होता है, और जब हम उस देश को माल बेचते हैं किसी देश को, तो उससे वहाँ की मुद्राएँ लेते हैं या विदेशी मुद्रा लेते हैं। यह मुद्राएँ सामान्यतः फॉरेन करेंसीज होती हैं या SDR होता है, जो हमारे IMF की करेंसी है। तो अगर हमने किसी एक देश को माल बेचा 1,000 रुपये का और हमने दूसरे देश से माल मंगाया 1,000 रुपये का, तो हमें विदेश से प्राप्त होने वाला 1,000 रुपये और विदेश को देने के लिए जो हमने 1,000 रुपये प्रयोग किया, दोनों बराबर है, हमारा भुगतान संतुलन बराबर है। अगर हमने माल मंगाया 1,000 रुपये का और माल बेचा हमने 500 रुपये का, तो अब हमें प्राप्ति तो 500 रुपये की हुई है और 500 रुपये हमें अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है, मतलब 1,000 में से 500 की प्राप्ति हुई, 500 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ रहा है, इसे हम भुगतान असंतुलन की अवस्था कहते हैं। तो सरकार ऐसी अवस्था में राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। प्रारंभिक अवस्था में सरकार बाहर से ऋण लेती है, जब बाहर से डॉलर से आप विदेशी मुद्रा ऋण मिल जाती हैं, तो उस ऋण की भुगतान की आपूर्ति करती है। यह कैसे करेगी? यह नीतियां हमारे भुगतान संतुलन की नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन में घाटे के क्रम में इसको सम्मिलित किया जाता है। यह भी हमारे राजकोषीय नीति का छात्रों एक अंग है। अगला है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना। देश के बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, जिन स्रोतों के लिए सरकार आय में हमेशा वृद्धि करने के बारे में प्रयास करती है। राजकोषीय नीति में मूलतः यही कहा जाता है कि किसी क्षेत्र की आय को संवर्धन कैसे किया जाए, वहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए, वहाँ रोजगार परक इकाइयों का विकास किया जाए। इन तमाम इकाइयों के द्वारा जो मद बनते हैं, जो मद बनेंगे या जो राज्य के रास्ते खुलेंगे, इससे सार्वजनिक आय के क्षेत्रों का विकास होगा, और इसके लिए भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत छात्रों प्रोविजन किया जाता है। बुनियादी ढांचाओं का विकास करना, किसी भी देश का विकास जब तक वहाँ पर आधारभूत संसाधनों का विकास नहीं होगा, तब तक उस क्षेत्र का विकास हो पाना संभव नहीं है छात्रों। इस दृश्य से अगर देखा जाए तो राजकोषीय नीति एक अहम नीति है जो बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सहायक होती है। तो यह उद्देश्य भी इसमें शामिल है, इसी उद्देश्य के लिए राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है। और अंततः हम छात्रों, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, विदेशी मुद्रा आय करना, हम अपने यहाँ जितना अच्छा राजकोषीय व्यय करेंगे, जितना अच्छा निवेश का स्वरूप बनाएंगे, जितने अच्छे निवेश का माहौल बनाएंगे, हमारे घरेलू बाजार में जितनी वस्तुओं की उत्पादकता होगी उतने ही हमारा माल बिकेगा, बाजार अच्छा होगा, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी। इन समस्त स्वरूपों के लिए
राजकोषीय नीति ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारी नीतियां राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं, सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। इसी कारण हम राजकोषीय नीति को एक बृहद सेंस में बड़े पैमाने के अंतर्गत छात्रों इसका अध्ययन करते हैं। ये बड़े पैमाने पर हमारे राजकोषीय नीति के अध्ययन का एक विषय वस्तु बनता है। छात्रों, इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, राजकोषीय नीति है क्या, राजकोषीय नीति के अंग क्या है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल की जाती हैं, और राजकोषीय नीति की महत्व क्या है, इन समस्त चीजों का किसका किससे संबंध है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और देशों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी चीज़ों के बारे में हमने आपसे चर्चा की, ये बातें आपके समझ में आई होंगी और बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इससे जुड़ा कोई क्वेरी है तो आप इससे संदर्भित प्रश्न मेरे पास उपलब्ध कराइएगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।